स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो MD यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन प्रोसेस है, इनकी एंट्रेंस एग्जाम अब हो चुके हैं और एंट्रेंस के बाद जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट और लास्ट में आपकी ओपन काउंसलिंग होगी, तो वो कब कब होगी इससे रिलेटेड डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपको पता ही है कि जैसे कि MD के जो फॉर्म निकले थे वो 20/7/2022 को निकले थे और 5/8/2022 उसके बाद में डेट बद गई थी, वो 20 अगस्त तक रही थी। और उसके बाद में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे 23 से 27 तक। और तो जो आपके आप इंतज़ार कर रहे हैं कि एंट्रेंस का एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आएगा, कुछ का तो आ चुका है लेकिन कुछ का भी रहता है। तो 31 तारीख तक सभी जितने भी कोई भी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया MD का कोई भी कोर्सेज, MA, MSc, MCOM, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स में आपने दिया है, तो उनका 31 तारीख तक जो है रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगी, उसके कब कब तक आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। तो ये देख लीजिएगा, जो पहली लिस्ट है वो फर्स्ट काउंसलिंग होगी, यानी कि फर्स्ट लिस्ट जो जारी होगी वो होगी 5/9/2022, यानी कि 5 तारीख को आपकी ये जारी होगी। 5 तारीख को, 9वें महीने की 5 तारीख को आपको जारी होगी पहली लिस्ट। और इसकी जो फीस सबमिट कराने की जो लास्ट डेट है वो क्या होगी, 6 से लेकर के 7/9/2022, यानी कि आपको 7 तारीख तक, 2 दिन का आपको, तो 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा। तो 7 तारीख लास्ट होगी फर्स्ट लिस्ट वालों की। और जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट लिस्ट के अंदर नेम आ गया और उसने फीस जमा नहीं करवाई तो उसका सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आएगा, उसका फिर ओपन काउंसलिंग में आएगा। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी कारणवश फीस नहीं जमा करा पाते या वो कोई और कोर्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं जिसमें उनका नाम आ जाए। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया आपका और आपने फर्स्ट ये 2 दिन के अंदर आपने जमा नहीं कराई फीस अपनी, तो आपका जो क्या है, फर्स्ट सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आएगा, उसके बाद में आप ओपन काउंसलिंग के अंदर चले जाओगे। तो इसलिए अपने समय रहते पर अपनी फीस जमा करा दें जैसे ही आपकी फर्स्ट लिस्ट लगती है उसके अंदर नाम आते ही। उसके बाद में सेकंड मेरिट लिस्ट जो आपकी होगी, शुरुआत होगी वो है, ये सभी कोर्सेज के लिए, कोई एक कोर्सेज के लिए नहीं, जितने भी MD ने एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए उनके चाहे एग्ज़ाम अलग अलग डेट पे हुए हों, लेकिन जो मेरिट लिस्ट है फर्स्ट सेकंड वो सभी की सेम डेट में ही लगेगी सभी की, ठीक है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट जो आपकी लगेगी वो 12/9/2022 को लगेगी और इसकी लास्ट डेट होगी वो आपकी क्या होगी, इसकी लास्ट डेट होगी 14/9/2022, यानी कि 14 तारीख तक, यानी कि 12 सेकेंड लिस्ट लगी उनको 14 तारीख तक क्या है अपनी फीस जमा करानी होगी। ऐसा इनके साथ होगा कि जो सेकेंड लिस्ट में नाम आ जाता है अगर वो फीस जमा नहीं कराते तो उनका भी क्या है, मतलब 3rd लिस्ट में नाम नहीं आएगा। उसके में अगला आपका है ये कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेज, ये आपका आपकी बार करें कि थोड़ा इंटरव्यू भी ले सकते हैं लेकिन अभी तक कोई वो नहीं, बाकी मेनली आपका जो है मतलब एंट्रेंस एग्जाम ही है। उसके बाद में अगला जो है 3rd मेरिट लिस्ट जो आपकी लगेगी वो 19/9/2022 को लगेगी और इसकी फीस सबमिट करानी है 21 तारीख लास्ट है, तब तक आपको फीस सबमिट करा देनी है। उसके बाद में आपकी डिस्प्ले वैकेंट सीट, जो बाकी बची हुई सीट बच जाएगी एक दो लास्ट में, तो उनकी जो सीट है वो 22/9/2022 को, यानी 22 तारीख को लगेगी। और उसके बाद जो है फिजिकल काउंसलिंग ऑफ वीकेंड सीट, यानी कि जो लास्ट में बच जाएंगे वीक, यानी कि ओपन काउंसलिंग लास्ट में जो होगी बची हुई सीटों पर, वो कब होगी, 23/9/2022 से शुरुआत होकर के वो 28 तारीख लास्ट तक होगी। और उसके बाद में कट डेट ऑफ एडमिशंस की जो आपकी है वो लास्ट में लगेगी आपको 30/9/2022 को लगेगी। तो 30 तारीख को बाकी जो बची सीट हैं उनकी जो है मतलब लास्ट में जो ओपन काउंसलिंग है, जो लास्ट बिल्कुल मतलब सीट पूरी करेंगे वो 30/9, यानी कि पूरा आपका कहें कि सितंबर माह, पूरा सितंबर माह एडमिशन प्रोसेस यानी कि लिस्ट आपकी चलती रहेगी। और आपकी जो क्लासेज हैं वो अगर बात करें तो वो पहले ही मतलब लगभग स्टार्ट से हो जाएंगी, बाकी सही तरीके से आपकी क्लास एक
अक्टूबर से होगी फर्स्ट ईयर वालों की, और सेकंड ईयर वालों की तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं लगभग। तो उसके बाद में आपने देखा कि ये अलग अलग टाइम आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी, और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, डीएमसी रिजल्ट नहीं आया है तो वो अपने डीएमसी नहीं आई तो वो रिजल्ट भी जमा करा सकते हैं। उसके बाद में लास्ट आप लेट डीएमसी आप जमा कराने तो आप 500 रुपये लगेंगे, यानी डॉक्यूमेंट सबमिट कराने का आपको टाइम दिया जाएगा, अगर उसे लेट हो जाते हैं तो 500 रुपये लेट फीस के साथ आपकी डीएमसी है वो जमा होगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए होंगे, कौन कौन से होने चाहिए, और तो उनके रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। अगर इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।